असलम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज है मेरी बर्थडे, ऑब्वियसली बर्थडे तो सेलिब्रेट भी उसको करेंगे। सो अभी हम लोग हैं इस तरह पे और यहाँ पे ये मेरी बहन इस्मान निकाल रही हूँ। ऑफकोर्स मैं बर्थडे गर्ल हूँ, मैं कुछ करने वाली नहीं हूँ, ठीक है गाइस? ओके, तभी मैं आप लोगों के अंदर इस तरह का टूर देती हूँ। चाह के एंटर होते हैं यहाँ पे बच्चों का पूल, मैं यहाँ पर भी आप लोगों को खेलती हुई मिलूंगी। मरियम आप लोगों को हर जगह मिलेगी। और ये है आउटडोर एरिया, यहाँ पर अभी देखते हैं कि बर्थडे का सेटअप कहाँ पे करते हैं। और ये दोनों मेरी बहनें मुलाजमों की तरह काम कर रही हैं और मैं ऑफकोर्स आज मैं हुक्म चलाऊंगी क्योंकि मेरी बर्थडे है। यहाँ पर ये मेरा बर्थडे का सामान रखा जा रहा है, केक, पेप्सी, पानी, फेरो रोचर्स। और मेन पार्ट जिसके लिए हम लोगों ने स्टार स्पेशली बुक किया है वो है ये पूल। एक्चुअली ये जो सा पूल है बहुत ज़्यादा डीप है, ऑलमोस्ट 2 मीटर है, मेरे आंसर से भी ज़्यादा होगा, आई डोंट नो। 2 मीटर तो ये है ही है, मतलब डूब भी सकते इंसान, तो पता नहीं, देखते हैं मैं स्विमिंग करती हूँ यहाँ पर या नहीं क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। तो देखते हैं अभी और क्या सीन है। ये है मेरे बर्थडे के डेकोरेशन का सामान और ये मेरे गिफ्ट्स हैं। अंदर से कुछ निकलता मामा मुझे दिख रहा है? नहीं, अभी नहीं देखना। ओके मामा, ठीक है, मामा ने बोल दिया नहीं देखना, तो मरियम हो गई अंधी, ठीक है, मरियम को वो नहीं दिखा। और मैं इस पूल के लिए बहुत एक्साइटेड, बाय द वे मैं पागल लगूंगी, लेकिन इस पूल के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और स्पेशली इस बकेट के लिए। पर मेरी बर्थडे की डेकोरेशन शुरू हो चुकी है। आप ही, आपको बहुत खुशी है कि मैं आपकी छोटी बहन हूँ, कितने फ़ख्र की बात है। वैसे प्रोग्रेस भी जाएगी, कौन सी पूरी वॉल है वो कवर हो गया, बाकी के ऊपर कौन सी डेकोरेशन है वो रह गई है। गुड वर्क गर्ल्स, थैंक यू। जल्दी जल्दी करो, मेरी बर्थडे है। ओके, मैं तो सोच रही हूँ ऑर्गेनाइजर, पार्टी ऑर्गेनाइजर ही बन जाती हूं। सही बात है जी, तो प्यार तुम लोग करना शुरू हो गए ना डेकोरेटिंग, यू शुड बी पार्टी ऑर्गेनाइजर। अभी मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं इंजॉय करती हूँ खुद, क्योंकि वहाँ पर तो वो लोग वैसे डेकोरेशन कर रहे हैं, मेरे पास कुछ करने को था नहीं। ऑलमोस्ट हो गई है, मैं आप लोगों को बर्थडे के टाइम दिखाऊंगी और मैं यहाँ पर इंजॉय कर रही हूँ। लेकिन मुझे इस साथ पर डर भी लग रहा है, अगर ये ड्रम नीचे हो गया मैं खुद पूरी गीली हो जाऊँगी, और अभी मैं सेलिब्रेशन के लिए रेडी भी नहीं हूँ, मैं सारा लुक तबाह हो जाएगा, तो इसलिए अभी चाहती हूँ मैं यहाँ से। यहाँ पर इस साइड मेरे बर्थडे का सेटअप हो गया और साथ में ये मेरे मैजिक क्लॉथ्स हैं मेरी सारी डेकोरेशन के साथ। हमारे इस दफ़ा बर्थडे का थीम है, वो आप लोगों को देख के पता चल ही रहा होगा, गोल्डन और ब्लैक है। मेरे कपड़े भी उसी के हिसाब से हैं, माशाल्लाह बहुत 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 प्यारा सेटअप लग रहा है। और अभी हम लोग वेट करें गेस्ट वगैरह आए, फिर आगे हम लोग पार्टी शुरू करते हैं। पर सारी रेडी होकर बैठ गए हैं, कुछ लोग चिल कर रहे हैं, कुछ लोग गपशप कर रहे हैं और कुछ लोग पिक्चर्स ले रहे हैं और कुछ लोग बाकी गेस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं सब। जब मैंने चिल बोला था तो मेरा मतलब था ये वाला चिल। बर्थडे की जोन सी गेम है वो थोड़ी और स्ट्रॉन्ग हो गई क्योंकि जोन सी हमने लेज़र लगाई है उसके साथ, और जोन सा ना बर्थडे वाला वो फील आ रहा है। सो अभी बस हम लोग गेस्ट का वेट करें, फिर इंशाल्लाह केक कट करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे पूल पे, जिसके लिए हम सारे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं। मैं पता नहीं बार बार ये वाला पूल दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर ही जाने, ये मेरा फेवरेट गेस्ट आ गया और अभी जोन सी गेस्ट आना शुरू हो गए बाकी के, तो इंशाल्लाह फिर हम लोग बर्थडे की सेलिब्रेशन करते हैं। और अभी मेरे पास सबसे छोटा सा प्यारा सा खिलौना बैठा है, आई होप ये बच्ची रोए ना। तो इंशाल्लाह जब सारे गेस्ट वगैरह आ जाएंगे तो फिर हम लोग अभी सेलिब्रेशन कंटिन्यू करते हैं। हाय बोलो। हाय। ये दोनों सबसे अच्छी बच्चियां हैं यहाँ पर, इसका नाम मुस्कान है और इसका नाम प्रीसा। मुस्कान, हैप्पी बर्थडे बोलो। जबरदस्ती बुलवा रही है बच्चियों से, बोलो। मुझे दोनों मिलके बोलो आप, हैप्पी बर्थडे बोलो। थैंक यू बच्चों, थैंक यू बच्चों। प्रीसा आपको इसमें बैठा दे, देखा देखा कितनी अकलमंद बच्ची है, मेरे साथ रहोगी प्रीसा और ज़्यादा अकलमंद हो जाओगी, ठीक है? ठीक, गेस्ट वगैरह आना शुरू हो गए, फिर ये जो सा पूल अभी हाल ही दिख रहे हैं जहाँ पर आप ही जाकर हाथ धो रही है, आप ही हाथ धो रही हो यहाँ पे आप जाके, यहाँ पर सारी फोटोशूट वगैरह चल रही है और मैं बैठ के इंजॉय कर रही हूँ। अभी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेटली वेट कर रही हूँ। एक्चुअली ये भूख का बहाना हो रहा है, यहाँ पे केक कटिंग का हो रहा है, क्या बोलते हैं, असल में मैं एक चीज़ बताऊँ, हो रहा है मुझे ना गिफ्ट्स का बहाना हो रहा है, गिफ्ट्स का। यहाँ पर केक कटिंग के सेटअप होना शुरू हो गए। बाजी इस दफ़ा स्प्रे ना करना प्लीज़, मुझे लास्ट टाइम का याद है, लिटरली मैंने एक पिक्चर भी नहीं थी और इन लोगों ने मेरा सारा लुक खराब किया था। आपको याद है वैसे आपके साथ क्या हुआ था? याद है। फाइनली मेरा केक आ गया और आप ही चॉकलेट्स मेरी। ओके,
एक भी मैं किसी को भी नहीं दूंगी। अच्छा, हाँ घर लेकर जाऊंगी मैं अपने साथ हो रखी। कल भिन के कुछ ऐसा फील होता है, सब आपको घूरे होते हैं और अभी बस सारी टेंशन मेरे पास है और मैं अभी बस केक कट करने वाली हूँ। अभी ये बाकी प्ले हाथ में पकड़ लेंगे। मम्मा मैं भी अपना बाकी प्ले हाथ में पकड़ लेंगे। टेंशन सारी वहां पे चली गई है। हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरे ऊपर क्या था? मेरा वैसे ही था। बर्थडे गर्ल इधर देखो जरा, बशाय इधर दिखा। बड़ा बुरा हुआ है। मरियम मेरी वो कैंडल्स अभी भी चल रही है। मरियम कैसा लगा सरप्राइज? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मरियम, हैप्पी बर्थडे मरियम। मरियम कैसा लगा सरप्राइज फेस? मजा आया? बाजी आपके साथ क्या हुआ है? पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं था पता मेरे साथ भी कुछ होना है। मुझे तो यह था आपके साथ कुछ किया जाएगा। भाई ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मुझे देख सर अब शायद इसलिए बाकी था। हैप्पी बर्थडे मरियम, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मरियम, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मरियम, हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे टू यू, बर्थडे डियर मरियम, बर्थडे टू यू। मरियम कैसा लगा हमारा सरप्राइज? मेरी बहुत ज्यादा यूनिक बर्थडे हुई है। पूरे में गंदे होने के बाद भी एक केक खा रही हूँ। भाई के साथ बहुत अच्छा हुआ है, भाई ने मेरे साथ ही किया था लिटरली। फिट हो गया और अब खाने से बोल रहे और बहुत ज्यादा भूख लग गई थी। अरे मामा के हाथ की बिरयानी मामा टेस्टी होगी जैसे पहले हमेशा होती है। ऑफ कोर्स भूख बहुत प्यारी आ रही है, सो देखते हैं अभी कितना लग गया। तो अभी खाना खाते हैं। बहुत अभी इन दोनों छोटी बच्चियों ने बोले जो उनसे हमने गिफ्ट्स दिए हैं उनको अनबॉक्स करें। तो सबसे पहले हम लोग मुस्कान का गिफ्ट अनबॉक्स करते हैं। मुस्कान ने क्या दिया? पहले मुस्कान, मुस्कान भेड़ी है ना? नाइस नाइस मुस्कान, आपने खुद बनाया ना? ऊपर एम डी है, वेरी नाइस मुस्कान। बच्ची के एफर्ट्स हैं जो बात है। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब हम लोग खोलेंगे परीक्षा का खाने के बाद।
और ये हम सब परफ्यूम है, ये पीसा नहीं दिया। थैंक यू सो मच पीसा, अनबॉक्सिंग ब्लॉग बन रहा है। और अब जो सा वर्दा ने दिया वो भी अनबॉक्स करते हैं। आज मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट्स होगी, मैं फेरो खाऊंगी और ये भी खाऊंगी। सो मरियम, डिड यू एंजॉय योर बर्थडे? ऑफ कोर्स यस, लेकिन जो उनसे अभी मेरे साथ हरकत हुई थी ना, वो वाली ओके। सो पर्सनली मुझे बहुत मजा आया क्योंकि वो ये फन पार्ट होता है सेलिब्रेशन का, मुझे बहुत मजा आया। क्या हो रहा है यहाँ पे अब? थैंक यू मरियम। सबसे ज्यादा यहाँ पर अभी बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, भेड़ों से भी ज्यादा बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। ये आप अलग हरकतें हो रही है। खड़े होकर भाई पूरा नहीं आ रहा, तो भाई बैठ चुका है पानी के नीचे, शावर के नीचे बैठने के लिए। लिटरली बच्चों का पूल है और यहाँ पर ये लोग शुरू हुए हैं, वो 2 मीटर्स का जिनसा पूल है उसको छोड़ कर ये लोग यहाँ पर आ चुके हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मरियम, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये लग समाल सही है, मैं पूरी गीली हो चुकी हूँ, मुझे धोखा दिया ऐसे। पानी बहुत ठंडा है, आप करोगे तो मैं भी करूँ। ये वाला जो पानी आ रहा है ना, ये पानी बहुत ठंडा है। टाइम हो गया, हम लोग पूल के अंदर बर्थडे केक, ये पूल पार्टी। हम लोग पूल से बाहर आ गए हैं और बाकी आप पूरे रिसोर्ट की हालत देख सकती हैं, सारे पूल वाले कपड़े आपको हर जगह मिलेंगे। ये क्या कर रही हैं आप रीसा? आप नीचे क्या कहते हैं, ग्रास को पानी दे रही है, माशाल्लाह गार्डनिंग हो रही है। अच्छा, मुस्कान जोकर बनी है। अभी सुबह हो गई, अभी हम लोग करने लगे हैं ब्रेकफास्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे अपने बर्थडे के सेलिब्रेशन का बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सबसे बेस्ट पार्ट वो था जब केक कट हुआ और सारे सपने मेरे ऊपर आया, उसके एक अलग से फन हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। आप लोगों को भी मज़ा आया क्योंकि मैंने आप लाइक आया ही होगा, ओबियसली मेरी बर्थडे थी, मज़ा आना तो लाइक एक जेन्युइन बात है। तो अभी मज़ा आया तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलना। और मेरे इंस्टाग्राम को जाकर फॉलो करें क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को और ज़्यादा न्यू पिक्चर्स वगैरह मिलेंगी। सो ये थी आज की वीडियो, तो इंशाल्लाह अब मैं आप लोगों को अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो पर मिलूंगी। सी नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।